नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आरजीपीवी डिप्लोमा ने एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट जारी किया है और वो है रिगार्डिंग ब्रांच ट्रांसफ़र एंड कॉलेज ट्रांसफ़र। इस इम्पॉर्टेंट अलर्ट को अगर डिटेल में देखा जाए तो इस टाइप से ऑर्डर खुल के सामने आता है। ये है प्रति प्राचार्य समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मध्य प्रदेश के लिए। विषय है सत्र 2020-21 में प्रवेशित विद्यार्थियों के ब्रांच परिवर्तन एवं संस्था स्थानांतरण से संबंधित, और ये ऑर्डर 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। आगे ऑर्डर में लिखा है, विषयांतर्गत लेख है कि संस्था में अध्ययनरत ब्रांच परिवर्तन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष यानी तृतीय सेमेस्टर में उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश क्रमांक F414/2007/42-1 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2015 के अनुसार किया जाना है। संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात शाखा वार रिक्त स्थानों की संख्या प्रतुपाधि पोर्टल पर दिनांक 30 सितंबर 2021 तक अंकित करें। ब्रांच परिवर्तित विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी संस्था लॉगिन में एडमिशन टैब के अंतर्गत प्रदत्त यूटिलिटी के माध्यम से दिनांक 5 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करें। ब्रांच परिवर्तन करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि परिवर्तन के पूर्ण तथा पश्चात की ब्रांच के प्रथम वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा उनके पाठ्यक्रम एक समान हो। समूह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम एक समान हैं। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं तो इन ब्रांचेस का प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस सेम होता है। आप केवल इन्हीं ब्रांच में आपस में अपनी ब्रांच बदल सकते हैं। समूह दो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम एक समान हैं। यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर और मेंटेनेंस के प्रथम वर्ष के जो सिलेबस हैं वो सेम हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र हैं तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस में अपनी ब्रांच शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्विच नहीं कर सकते। ऐसे ही समूह तीन हैं सिविल इंजीनियरिंग, CTM, मैकेनिकल प्रोडक्शन, RAC, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, PRPC, प्लास्टिक, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एवं प्रिंटिंग। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पाठ्यचर्या के समान हैं। यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आप मैकेनिकल में अपनी ब्रांच बदल सकते हैं, अगर मैकेनिकल छात्र हैं तो आप सिविल में अपनी ब्रांच परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर CTM, मैकेनिकल प्रोडक्शन, RAC, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, PRPC, प्लास्टिक, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग डिप्लोमा, इनमें से किसी भी ब्रांच में आप अपनी इच्छित ब्रांच ले सकते हैं क्योंकि इनका सिलेबस सेम है। लेकिन आप सिविल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कतई नहीं जा सकते। आगे लिखा है, प्रत्येक समूह में आपस में ही ब्रांच परिवर्तन हो सकेगा, एक समूह से दूसरे समूह में ब्रांच परिवर्तन नहीं हो सकेगा। पॉलिटेक्निक स्तर पर ब्रांच ट्रांसफर के उपरांत शाखावार रिक्त स्थानों के विरुद्ध एक पॉली महाविद्यालय से दूसरे पॉली महाविद्यालय में स्थानांतरण चाहने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट लॉगिन पर स्टूडेंट सर्विसेज में उपलब्ध अप्लाई फॉर कॉलेज ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/10/2021 तक करें। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः उक्त आशय की सूचना से पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के संबंधित समस्त स्टाफ तथा विद्यार्थियों को अवगत करावें। सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। यानी कि कॉलेज लेवल पे ब्रांच ट्रांसफ़र के बाद अगर
खाली स्थान बचता है तो कॉलेज ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दोनों कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यानी अगर आप ब्रांच ट्रांसफ़र के इच्छुक थे तो ब्रांच ट्रांसफ़र का मौका अब आ चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं और आप अगर ब्रांच ट्रांसफ़र चाहते हैं तो तुरंत अपने कॉलेज में अपने टीजी से संपर्क करें, ना कि अपने कॉलेज के हायर अथॉरिटीज़ को परेशान करें। आपके टीजी आपको सही सलाह और मार्गदर्शन करेंगे। ख़ास बात ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिविल से मैकेनिकल ब्रांच में जा सकते हैं, लेकिन सिविल से इन समूह एक और समूह दो की ब्रांचेज में नहीं जा पाएंगे। या अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आप केवल इन्हीं समूह एक की ब्रांच में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ना कि समूह दो या समूह तीन की किसी और ब्रांच में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। और कोई जानकारी मुझ तक जैसे ही आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।